हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और जैसे आप सब जानते हैं, हमने अपने चैनल पे 10th यूनिट का बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हम शायद 3 लेक्चर्स लगा चुके हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की टाइप्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन की टाइप्स भी हमने पढ़ी थी, और हमने शायद लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट। और न्यूट्रिशन इन प्लांट के अंदर मैं आपको बता रहा था स्टोमेटा के बारे में। तो मैंने आपको एक साइड क्वेश्चन भी दिया था वीडियो में कि रात में ओवरऑल जो प्लांट का अंदर गैसेज का एक्सचेंज है, तो CO2 लेते हैं या O2 देते हैं, O2 लेते हैं CO2 देते हैं, वो क्या होता है। उसके बाद कुछ जो ट्रीज हैं, जैसे पीपल ट्री है, वो अपना रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, तो कैसे होता है वो। तो मैं उन क्वेश्चन के आंसर भी आपको दूंगा वीडियो के लास्ट में। अब हम पढ़ते हैं कि स्टोमेटा, स्टोमेटा के बारे में मैंने शायद लास्ट लेक्चर में आपको बताया था स्टोमेटा से क्या क्या फंक्शन होता है। स्टोमेटा से गैसेज का एक्सचेंज होता है, स्टोमेटा से अपना जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। बट ये दोनों चीजें होंगी तब जब स्टोमेटा ओपन होंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे तभी ये प्रोसेस हो पाएगा। अब स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं, क्लोज कैसे होते हैं, ये मैंने शायद आपको लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था, तो मैं आज आपको बताता हूँ हाउ स्टोमेटा ओपन एंड क्लोजेज। तो देखिए, पहला है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। फर्स्ट इज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, तो देखिए स्टोमेटा किस तरह से ओपन होता है उसको हम पढ़ते हैं। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर एक हार्मोन जो प्लांट की बॉडी के अंदर होता है, प्लांट की बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन होते हैं, जैसे ऑक्सीन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, जिब्रिलिन हो गया, तो अलग अलग हार्मोन्स हैं। तो उनमें से अब वो हार्मोन्स का क्या फंक्शन है, कौन कौन से, तो वो हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एक हार्मोन ओपनिंग ऑफ जो होता है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन, तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कौन सा हार्मोन करवाता है, आप आंसर देंगे साइटोकाइनिन हार्मोन। बड़ा इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। उसके बाद देखिए कैसे होता है, तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है ये क्या करवाता है। अब इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ, शायद मैंने करवाया है आपको डायग्राम पहले। ये होता है अपना स्टोमेटा, ये मान लिया हमने स्टोमेटा। अब जो स्टोमेटा है इसके चारों ओर स्टूडेंट्स होती हैं सेल्स, जो कि जिन सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल, जिन सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये सेल ही है गार्ड सेल। ये भी क्या है, ये भी गार्ड सेल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल होता है इनके ऊपर। अब ये मैंने बना दिया इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, तो गार्ड सेल के अंदर क्या भी होता है, गार्ड सेल के अंदर होता है स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट। तो ये मैं एक को मैं नाम लिख के बता देता हूँ, है क्या, क्लोरोप्लास्ट स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट। और जो ये बीच में हमारे को स्पेस दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड एज स्टोमा, स्टोमल ओपनिंग, या फिर सिंपल ही हम इसको लिख देते हैं स्टोमेटा, इसको हम लिख देते स्टूडेंट स्टोमेटा। तो देखिए अब ये जो कंडीशन है ये ओपन कंडीशन है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होती है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि देखिए ये कुछ कंडीशन आप इस तरह से मान लीजिए, ये जो कंडीशन है आप इस तरह से मान लीजिए, ये है गार्ड सेल, दीज आर गार्ड सेल, ये सेफ है क्लोजिंग। अब ओपन कब होगा, ओपन होगा ये तब जब, वैसे अब ये ओपनिंग की कंडीशन कब आई, जब ये जो गार्ड सेल है कर्व हुई, ये गार्ड सेल कवर हुई, ये गार्ड सेल स्वेलो हुई, स्वेलो जैसे ही होंगी ये कर्विंग की शेप ले लेंगे, कर्विंग की शेप लेती है स्टोमेटा ओपन। तो अभी होता कैसे है, ये गार्ड सेल की जो स्वेलो हो जाती है ये शेप होती कैसे, तो देखिए ये शेप कैसे होती है, साइटोकाइनिन जो हार्मोन है इट इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ वाटर, इट इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ वाटर किसमें, इनटू द गार्ड सेल, इनटू द गार्ड सेल, इनटू द गार्ड सेल, ड्यू टू विच गार्ड सेल स्वेलोज, ड्यू टू विच गार्ड सेल swallows, due to which guard cell swallows, बोल रहा है जो साइटोकाइनिन हार्मोन है वो इन गार्ड सेल के अंदर वाटर की सप्लाई को बढ़ा देता है, वाटर की सप्लाई को बढ़ा देता है। जैसे इनके अंदर वाटर ये फूलना स्टार्ट कर देंगे, फूल के हो जाएंगे स्फेरिकल ऐसे, ठीक है। तो जैसे स्फेरिकल स्टोमेटा हो जाएगा ओपन, ड्यू टू विच गार्ड सेल स्वेलोज
देयरफॉर स्टोमेटा ओपन्स, तो इस तरीके से स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन। तो ये प्रोसीजर होता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में, तो किसकी वजह से हुई, साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से। कैसे हुई, और साइटोकाइनिन हार्मोन ने गार्ड सेल के अंदर वाटर सप्लाई को इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से जो गार्ड सेल है वो स्वेल फूल गई, फूलते ही उनकी सेल सरिकुल हुई और स्टोमेटा हो गया ओपन, दैट इज स्टोमेटा ओपन। तो अब अगर क्लोजिंग का अगर सिस्टम है तो क्लोजिंग कैसे होगी, तो देखिए इसको ही मैं यहीं से आपको बताता हूँ। अगर ये ओपन कब हुआ है, जब गार्ड सेल स्वेलो हुई है सफेरिकल से, अगर ये गार्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वाटर को रिलीज कर देंगे इनटू द एटमोसफेयर, वाटर को रिलीज कर देंगे इनटू द एटमोसफेयर, कब, जब ये गार्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे उस टाइम पे, क्लोज। स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज। तो हम बना देते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो मैं यहां लिखता हूं क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब बोल रहा क्या, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा यही हार्मोन करवा देगा, बिल्कुल भी नहीं, साइटोकाइन हार्मोन नहीं करवाएगा, इसके लिए दूसरा हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, एक हार्मोन है एब्सिसिक एसिड हार्मोन, ये हार्मोन है, ये हार्मोन करवाएगा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब कंसेप्ट वही है, ये इनको कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा, क्या करवाता है, इट कॉन्ट्रैक्ट, इट कॉन्ट्रैक्ट किसको, इट कॉन्ट्रैक्ट दी गार्ड सेल, इट कॉन्ट्रैक्ट दी गार्ड सेल, इट कॉन्ट्रैक्ट दी गार्ड सेल, ड्यू टू विच गार्ड सेल, सॉरी मैंने पहले भी बोला था, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाती तो मैनेज कर लीजिएगा, ड्यू टू विच गार्ड सेल रिलीजेज वॉटर, इंटू द एटमोस्फेयर, इंटू द एटमोस्फेयर, सो श्रिंक्स, देयरफॉर स्टोमेटा क्लोजेस। तो जैसे ही एब्सिसिक एसिड हार्मोन अपना एक्शन दिखाता है तो ये गार्ड सेल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ये इस तरह से दबाता है इनको गार्ड सेल को, उसके एक्शन से ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते ही वाटर रिलीज हो जाता है, वाटर रिलीज होते ही जो इनकी शेप है स्टूडेंट वो कुछ हो जाएगी इस तरह से, इनकी जो शेप हो जाएगी स्टूडेंट इस तरह से। तो अब जो स्वेलो थी ये स्वेलो नहीं रहेंगी, ये स्वेलो है वो नहीं रहेंगी, और वाटर को रिलीज करते ही इन गार्ड सेल की जो शेप है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, गार्ड सेल की जो शेप है वो इस तरह से हो जाएगी। और देखिए अब स्टोमेटा हो गया क्लोज कंडीशन, स्टोमेटा हो गया क्लोज कंडीशन। अब एग्जैक्टली ऐसा डायग्राम नहीं होता है, ये बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि किस तरह से क्लोज होता है। तो हमने पढ़ा हाउ स्टोमेटा क्लोजेज एंड हाउ स्टोमेटा ओपन, हाउ स्टोमेटा क्लोजेज एंड हाउ स्टोमेटा ओपन। तो इस तरह से हमने स्टोमेटा कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, कौन से हार्मोन इन्वॉल्व हैं, किस तरह से वो अपना एक्शन करते हैं, उन चीजों को पढ़ लिया है। तो इसके साथ ही हमने पढ़ लिया है न्यूट्रिशन इन ए प्लांट, न्यूट्रिशन इन ए प्लांट, जो जो था फोटोसिंथेसिस, जो था फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसके अंदर स्टोमेटा का फंक्शन हमने पढ़ा, कहाँ होते हैं स्टोमेटा, क्या करते हैं स्टोमेटा एटसेट्रा। अब हम पढ़ते हैं, अब मैं आपको आंसर दे देता हूँ दो क्वेश्चन के, ताकि हम प्लांट के जो टॉपिक को कंप्लीट कर दें। वो आंसर क्या है, जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि और आर एक्सचेंज करता होता, तो देखिए दो कंडीशन बनती हैं ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग डे। अब डे के अंदर लाइट है, अब डे के होने से क्या हुआ, लाइट है, लाइट के होने से क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुई, लाइट के होने से क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुई। तो उसका मतलब है जो O2 है वो आउटसाइड है और जो CO2 है वो इनसाइड, ये होता है एक्सचेंज। अब हम देखते हैं नाइट का, ड्यूरिंग नाइट, एट द टाइम ऑफ नाइट, अब नाइट में लाइट नहीं है, तो नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो अभी ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, बट जो रेस्पिरेशन है वो दिन में भी करते हैं, दिन में रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या करेंगे, रेस्पिरेशन के टाइम पे जो O2 है उसको अंदर लेंगे और जो CO2 है उसको बाहर छोड़ेंगे।
अब रात में फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, सिर्फ क्या हो रही है, रेस्पिरेशन, सिर्फ क्या हो रही है, रेस्पिरेशन। तो अब ये जो ऑक्सीजन है उसको अंदर लेंगे, जो CO2 है उसको बाहर छोड़ेंगे, जो CO2 है उसको बाहर छोड़ेंगे। तो अब रात के टाइम पे सिर्फ रेस्पिरेशन है, दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस भी है और रेस्पिरेशन भी है। तो जितना ये रेस्पिरेशन में O2 इनको चाहिए है, उससे बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन बना लेते हैं, उससे बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए ओवर ऑल जो दिन का जो एक्सचेंज है, ओवर ऑल जो दिन का एक्सचेंज है वो हुआ, ऑक्सीजन तो बाहर और CO2 है जो वो बाहर से अंदर, तो दिन का एक्सचेंज हुआ। अब रात में यही एक्सचेंज है, O2 अंदर CO2 बाहर। बट मैंने पूछा था ओवरऑल, तो ओवरऑल जो एक्सचेंज होता है स्टूडेंट वो ये होता है, ओवरऑल जो एक्सचेंज होता है ओवरऑल एक्सचेंज ये होता है कि फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाते हैं, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए कम, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए कम। तो ओवरऑल एक्सचेंज है O2 तो बाहर और CO2 अंदर, O2 बाहर और CO2 अंदर। तो ओवरऑल एक्सचेंज प्लांट का आप याद रखेंगे। उसके बाद रात का, देखिए रात का, नाइट के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ नाइट ये क्या देते हैं, CO2। इसलिए रात के टाइम पे हमारे को प्लांट के पास सोना नहीं चाहिए, ये हमने हमारे को काफी बार बोला भी गया हमारे बड़े से। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि कुछ प्लांट वो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, अब ऐसा कौन सा, जैसे एग्जाम्पल एलपीपल ले लिया, अब वो कैसे करता है। अब स्टूडेंट वो क्या करता है, वो दिन के टाइम पे लाइट को स्टोर करके फोटोसिंथेसिस के अंदर फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बजाय इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को जब लाइट नहीं होती तब उसको डिसोसिएट करता है, इसलिए वो रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनने की वजह से वो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। तो आई होप मैंने आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं और आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, काफी दिन से हम पढ़ रहे थे, 2-3 लेक्चर हमने लिए, अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और न्यूट्रिशन इन माइक्रोब्स। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक, अब हम प्लांट से दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरफ आए हैं। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म है वो पढ़ते हैं माइक्रोब्स के अंदर पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन ए माइक्रोब्स, न्यूट्रिशन इन माइक्रोब। तो देखिए पहला है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन ए माइक्रोब्स, माइक्रोब्स में हम पहला एग्जांपल पढ़े थे अमीबा का, न्यूट्रिशन इन ए अमीबा। अब देखिए मैंने आपको बताता हूं या शायद बताया है, नहीं बताया है, चलो बता, न्यूट्रिशन इन अमीबा के अंदर है जो न्यूट्रिशन है वो स्टेप्स में होगा, न्यूट्रिशन किसके अंदर होगा स्टूडेंट, स्टेप्स में। अब क्या एक स्टेप में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो देखिए पहला जो काम होगा वो होगा इंजेशन, इंजेशन ऑफ फूड। दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा डाइजेशन ऑफ फूड। तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा एब्जॉर्प्शन। खैर इनके अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन में। फोर्थ जो स्टेप होगा वो होगा एसिमिलेशन, और जो फिफ्थ जो स्टेप होगा वो होगा इजेशन या डेफिकेशन, आप इसको बोलते हो डेफिकेशन। तो देखिए इंजेशन, इंजेशन के बाद होगा डाइजेशन, डाइजेशन के बाद होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद होगा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद होगा इजेशन या फिर डेफिकेशन। इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ ए फूड इनटू द बॉडी, इनटेक फूड को जो हमारे पास फूड है उसको अगर हम बॉडी के अंदर ले लें दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन। उसके बाद है डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट ए ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स पार्टिकल ऑफ फूड इनटू सिंपलर, इनटू सिंपल पार्टिकल। फूड के बड़े बड़े पार्टिकल, जैसे ये बड़ा फूड है इसको हमने
ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड कर दिया, इसी को हम बोलते हैं डाइजेशन, इसी को बोलते हैं हमें डाइजेशन। ओके, उसके बाद ये डाइजेशन हो गया। डाइजेशन क्या है ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के अंदर मैं आपको बड़े डिटेल में बताऊंगा, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे ही फूड डाइजेस्ट होगा एनर्जी निकलेगी, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाई अवर सेल, हमारी सेल के द्वारा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना ही क्या होता है एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो एसिमिलेशन का मतलब होता है जैसे हमने स्टोमक के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर फूड को डाइजेस्ट किया, हमारी बात है अब उस इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविलाई होती है, विलाई होती है, वो अब क्या होती है हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के अंदर पढ़ेंगे। अब उस उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब किया पूरे हर पार्ट तक उस एनर्जी को पहुंचाना है, तो वहां से बॉडी के हर पार्ट तक एनर्जी को पहुंचाना इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। उसके बाद फूड को डाइजेस्ट कर दिया, एनर्जी निकाल ली, अब एनर्जी जब निकाल ली फूड में से न्यूट्रिएंट को जब हमने निकाले तो बता क्या वेस्ट, अब वेस्ट होता हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल, अगर हम वेस्ट को अंदर ही रखेंगे, अगर हम वेस्ट को अंदर ही रखेंगे तो हो जाएगी दिक्कत, हमारे को डिजीज हो जाएंगी, अब डिजीज हो जाएंगे तो उसको बाहर निकालना जरूरी है, वेस्ट इज टॉक्सिक जहरीला है इसलिए बाहर निकालेंगे, तो इजेशन और डेफिकेशन, तो रिमूवल, रिमूवल ऑफ ए वेस्ट, रिमूवल ऑफ ए वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी, फ्रॉम बॉडी, तो बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना क्या होता है, बॉडी से बाहर निकालना रिमूवल क्या होता है इजेशन या फिर डेफिकेशन। तो न्यूट्रिशन एनिमल्स और न्यूट्रिशन अमीबा, अभी आगे जितना न्यूट्रिशन मैं आपको पढ़ाऊंगा उन सभी के जो बेसिक स्टेप्स है वो यही रहेंगे, ये ऐसा नहीं है सिर्फ अमीबा में, ये सारे एनिमल्स में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ह्यूमन के अंदर भी इसका अदर एग्जांपल हम लेंगे माइक्रोब्स का, पैरामीशियम, उनके अंदर जो स्टेप्स है न्यूट्रिशन के वो यही रहेंगे, पहला स्टेप इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, इन दोनों के अंदर इन स्टेप्स को साथ साथ लिख सकते, चाहे एसिमिलेशन को पहले लिखते हैं एब्जॉर्प्शन को पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वैसे ह्यूमन के अंदर हम इस तरह से पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, तो देखिए स्टेप्स वही हैं, तो स्टेप्स मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखता रहे पहले क्या होगा पहले क्या होगा। अब देखिए अब जो अमीबा है तो हम थोड़ा सा बेसिक अमीबा को भी जान लेते हैं, अमीबा क्या है, अमीबा एक माइक्रोब्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ के अंदर आता है, नाइन्थ के अंदर आपने पढ़ा होगा प्रोटोजोआ माइक्रोब्स, जनरली वाटर के अंदर ये रहता है और इससे जो छोटे माइक्रोब्स हैं उनको खाता है, लगातार खाता रहता है, साइज को बढ़ाता रहता है और रिप्रोड्यूस करता रहता है, बस यही काम है अमीबा का, खाना है और रिप्रोडक्शन करना है, बस डिवाइड हो जाना, यही काम है अमीबा का। तो अमीबा क्या करता है, वाटर लिक्विड मीडियम में रहता है, तो हमने एक अमीबा ड्रा कर लिया, तो इंजेक्शन के अंदर अब देखिए क्या करेगा अमीबा, अब अमीबा ने अपने कोई भी अमीबा की कोई भी इरेगुलर शेप आप ड्रा कर सकते हो, अमीबा के अंदर ये जो है ये इसका हमने न्यूक्लियस सेल के सेंटर में इसको हमने नाम दे दिया है न्यूक्लियस का। ओके, उसके बाद ये जो निकले हुए हैं प्रोजेक्शन इनको हम जो उभरा हुआ भार है इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। अभी सेवंथ स्टैंडर्ड में आप पढ़ के आए होंगे स्यूडोपोडिया या फिर इनको फॉल्स फीट भी बोल देते हैं। उसके बाद ये जो आउटर बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब इसकी पूरी बॉडी के अंदर ये लिक्विड भरा होता है, दिस लिक्विड इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, दिस लिक्विड इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। अब देखिए अब ये क्या करता है, ये लिक्विड मीडियम में है, वाटर है, ये हमारा वाटर है। ओके, वाटर में सर्वाइव करता है ये। अच्छा ये मैं बता देता हूँ आपको, स्यूडोपोडिया कहते हैं, स्यूडो स्यूडो मीन्स फॉल्स, स्यूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स फिट। अब क्यों, जैसे जैसे अमीबा अपनी शेप को चेंज करता है तो ये अपनी मूवमेंट करता है साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट की वजह से, साइटोप्लाज्म मूव करता है इसकी वजह से प्रोजेक्शन बाहर निकलते रहते हैं, तो ये थोड़ी सी देर के लिए बनते हैं और इनकी वजह से ये चल पाता है, अब चल पाता है इसलिए फिट, और थोड़ी सी देर के लिए बनते हैं इसलिए बोलते हैं स्यूडो, तो स्यूडो पोडिया फॉल्स फिट, तो सेल मेम्ब्रेन के बने होते हैं।
आगे की तरफ निकला हुआ भाग को हम सुडोपोडिया बोलते हैं। अब क्या करता है ये, इसके पास स्टूडेंट आ जाता है फूड पार्टिकल, इसके पास आ जाता है फूड पार्टिकल। तो देखिए हमने मान लिया ये कोई फूड पार्टिकल आ गया, यहाँ पे ये आ गया अपने पास फूड पार्टिकल। अब इस फूड पार्टिकल को ये क्या करेगा, अब ये पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप करेगा इंजेशन, पहले स्टेप है इंजेशन। इंजेशन में क्या करेगा स्टूडेंट, ये अपनी इन मेम्ब्रेन को, ये अपनी इन मेम्ब्रेन को इस तरह से इसके चारों ओर इस तरह से फैला लेगा, क्योंकि मैंने बताया लगातार शेप चेंज होती रहती है। अब इसको ऐसे करता करता ये इन मेम्ब्रेन को एट लास्ट ऐसे ले आएगा, ये देखिए प्रोजेक्ट करता करता इस तरह से, और दोनों को मिला देगा। जैसे ही मिलाएगा ये यहां से मेम्ब्रेन्स मिल जाएंगी, मेम्ब्रेन्स मिलने की वजह से ये बन गया एक अलग सा वैक्यूल, और जिसको हमने बोल दिया है, अब इस वैक्यूल के अंदर, इस बैग के अंदर है फूड, इसलिए इसको हमने बोल दिया फूड वैक्यूल, इसको हमने बोल दिया फूड, बड़ा इंपॉर्टेंट है फूड वैक्यूल। तो अब क्या बन चुका है ये फूड वैक्यूल, देखिए ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर फूड है, फूड वैक्यूल, वैक्यूल खाली पार्ट होता है, आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा फूड वैक्यूल। अब पहला स्टेप हो चुका है, दैट इज इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या था, फूड पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर लिया, किसके द्वारा लिया, बाई स्यूडोपोडिया। तो इसने इंजेशन किया है बाई स्यूडोपोडिया, तो इंजेशन इसने किया है बाई स्यूडोपोडिया। पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर इसको लिख के बता देता हूँ। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब देखिए इसकी बॉडी में एक और जो ऑर्गेनली होता है छोटा सा, ये जिसके अंदर डाइजेस्टिव जूस भरे हैं, जिसके अंदर डाइजेस्टिव जूस भरे हैं, इसको बोला जाता है लाइजोजोम, इसको बोला जाता है स्टूडेंट लाइजोजोम, इसको बोला जाता है लाइजोजोम। तो अब लाइजोजोम क्या करेगा, लाइजोजोम के अंदर जो ये लिक्विड है, यह है एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को बोलते हैं, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ एंजाइम। इस एंजाइम्स में इतनी पावर होती है कि बॉडी के अंदर आने वाले किसी भी मटेरियल को डाइजेस्ट, डिग्रेड, तोड़ सकता है। तो अब ये जो लाइजोजोम है, ये लाइजोजोम यहाँ जाएगा, तो सेकंड स्टेप में लाइजोजोम इस फूड वैक्यूल के पास जाएगा। तो मैं नेक्स्ट डायग्राम बना देता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, न्यूक्लियस को आपको पता लग गया होगा न्यूक्लियस क्या है। तो ये नेक्स्ट डायग्राम अमीबा का हमने बना लिया, इस तरफ हमने न्यूक्लियस बना दिया। अब ये था हमारा फूड वैक्यूल, ये था हमारा फूड वैक्यूल, इसके अंदर फूड था। अब ये आ गया अपना जो, ये आ गया अपना जो लाइजोजोम था। अब लाइजोजोम क्या करेगा, लाइजोजोम अपनी ये मेम्ब्रेन हटा देगा, अपनी डेथ खुद ही कर देगा, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। और जो ये एंजाइम्स थे, ये जो एंजाइम्स थे, ये जाएंगे इधर इस तरह से, इस फूड वैक्यूल के चारों ओर चले जाएंगे। तो ये आगे एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स इसको डिग्रेड कर देंगे, तोड़ देंगे। तो इस तरह से जो फूड वैक्यूल है वो टूट जाएगा, ये टूट गया, फूड वैक्यूल से फूड को डिग्रेड कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। तो इसी को तो बोलते हैं हम डाइजेशन, इसी को बोलते हैं हमें डाइजेशन, इसी को बोलते हैं हमें डाइजेशन। उसके बाद डाइजेशन हो गया, अब क्या मिली, एनर्जी। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। तो देखिए जैसे ही फूड का डाइजेशन हुआ, हमारे को यहाँ से एनर्जी मिलेगी। तो जो एनर्जी है ये यहाँ पे कौन होता है, साइटोप्लाज्म, यहाँ पे कौन होता है स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म। तो जो एनर्जी है, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम को मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने लिख दिया एनर्जी। तो फूड से क्या निकली, एनर्जी, किसके अंदर आ गई, साइटोप्लाज्म, क्योंकि पूरी बॉडी में क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म। तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हो गया, कैसे हो गया, बाई साइटोप्लाज्म, बाई साइटोप्लाज्म। तो फूड से एनर्जी जो निकली डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में आ गई, तो इससे हो गया एब्जॉर्प्शन। अब क्या करना है, एसिमिलेशन, किसके द्वारा, बाई साइटोप्लाज्म। तो दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं, दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं। एकदम से एनर्जी निकली, सीधी साइटोप्लाज्म ने एब्जॉर्ब कर ली, और साइटोप्लाज्म मूवमेंट करता रहता है, तो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से पूरी बॉडी के अंदर बॉडी एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और उसी को तो हमने बोला था एसिमिलेशन, उसी को हमने बोला था एसिमिलेशन। उसके बाद अब क्या होगा, एजेशन और डेफिकेशन, इस स्टेप को फिर से समझिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं इस डायग्राम को यहाँ देखिए, ये स्टेप यहाँ आ गया है। अब जो अमीबा है, ये डायग्राम मैंने ड्रा कर दिया अमीबा का। अब जो ये वेस्ट मटेरियल है, तो देखिए जो ये वेस्ट मटेरियल बन चुका था फूड का, तो वेस्ट मटेरियल बन चुका डिग्रेड होने के बाद, उसके चारों तरफ जो अमीबा है वो मेम्ब्रेन बना देगा, उसके चारों तरफ जो अमीबा है वो मेम्ब्रेन बना देगा। अब इसको बोलेंगे हम वेस्ट वैक्यूल,
वेस्ट वैक्यूल। अब जो वेस्ट वैक्यूल है स्टूडेंट, ये मूव करता हुआ इस मेम्ब्रेन के पास जाएगा, मूव करता हुआ इस मेम्ब्रेन के पास जाएगा। अब ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, देखिए मेम्ब्रेन है जो, ये धीरे धीरे इस तरह से इस पे अटैच हो जाएगी। जैसे ही ये अटैच हो जाएगी तो ये यहाँ से डिसरप्ट, यहाँ से रप्टेशन हो जाएगी, इसकी टूट जाएगी मेम्ब्रेन। जैसे ही मेम्ब्रेन टूट गई, वेस्ट मेटल कहाँ गया, बाहर। वेस्ट मेटेरियल कहाँ गया, बाहर। तो इस तरह से लास्ट स्टेप जो था इजेशन या फिर डेफिकेशन अमीबा ने कर दिया, किसकी हेल्प से किया, बाय द हेल्प ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन, और कौन इन्वॉल्व हुआ, वेस्ट वैक्यूल। तो इस तरह से इसने कर दिया इजेशन। तो इन इन स्टेप्स के अंदर न्यूट्रिशन अमीबा कंप्लीट होता है। तो अमीबा ने इंजेशन किया, डाइजेशन किया, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो अब मैं आपको कुछ जो मेन चीजें पूछ ली जाती हैं आपके एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने समझा दिया है आपको, डायग्राम आपने नोट भी कर लिया होगा, क्योंकि वीडियो वीडियो को पॉज करके आप आसानी से नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो। तो इसके बाद इंजेक्शन, तो देखिए इंजेक्शन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इंजेक्शन कैसे किया है, बाई श्यूडोपोडिया, या फिर लिख सकते हो सेल मेम्ब्रेन, या फिर आप लिख सकते हो सेल मेम्ब्रेन। तो श्यूडोपोडिया की हेल्प से बाई ए प्रोसेस, बाई ए प्रोसेस जिसको कहा हमने एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। देखिए एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एंडो मीन्स होता है अंदर लेना, साइटोसिस में बाई सेल। तो अमीबा एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसने फूड को अंदर लिया, तो सेल के अंदर किसी भी चीज का आना उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस ये प्रोसेस था, या फिर इंजेक्शन, इंजेक्शन कौन से प्रोसेस से किया, एंडोसाइटोसिस से, किसकी हेल्प से किया, स्यूडोपोडिया, या फिर क्या कहो सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डाइजेशन, डाइजेशन में आपको क्या पॉइंट लिखना है, डाइजेशन में लिखना है इन द फूड वैक्यूल, इन ए फूड वैक्यूल। तो डाइजेशन कहां होता है अमीबा के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन फूड वैक्यूल, इन ए फूड वैक्यूल, और किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ ए एंजाइम्स, बाय द हेल्प ऑफ ए एंजाइम्स ऑफ ए लाइसोसोम, बाय द हेल्प ऑफ ए एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स थे, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे, उनकी हेल्प से अमीबा के अंदर फूड का डाइजेशन हुआ कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट, यही तो पूछा जाता फूड वैक्यूल के अंदर, कहाँ पे, फूड वैक्यूल के अंदर। तो ये ध्यान रखेंगे, एब्जॉर्प्शन मैंने बता दिया बाई साइटोप्लाज्म, एसिमिलेशन वाया साइटोप्लाज्म, बाई साइटोप्लाज्म, इजेशन बाई वेस्ट वैक्यूल। तो इजेशन में हम लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बाय द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या थ्रो, या वाया सेल मेम्ब्रेन, या फिर सेल छोटे बोल सकते हो सेल मेम्ब्रेन ही आप कहेंगे। उसके बाद बाय ए प्रोसेस, बाय ए प्रोसेस, और इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस एक्सोसाइटोसिस। देखिए एक्सोसाइटोसिस क्या होता है स्टूडेंट, एक्सो मींस बाहर, साइटोसिस मींस बाय सेल। तो सेल के द्वारा किसी भी चीज को बाहर निकालना, सेल से किसी भी चीज को बाहर निकालना, इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। तो इस तरह से इन बेसिक स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है न्यूट्रिशन इन ए अमीबा। इसी तरह का एक और एग्जांपल हम पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन ए पैरामीशियम, न्यूट्रिशन इन ए पैरामीशियम। देखिए पैरामीशियम का डायग्राम ड्रा करता हूं मैं, बेसिक स्टेप्स वही रहेंगे, बस जो चेंज होना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए मैं बताता हूँ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, न्यूट्रिशन इन ए पैरामीशियम। न्यूट्रिशन इन ए पैरामीशियम, तो हमने लिख दिया है पैरामीशियम। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पैरामीशियम का भी हो जाए, तो पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम इज ए यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ, ये भी प्रोटोजोआ, जैसे अमीबा प्रोटोजोआ था, क्या होता है, नाइन्थ में पढ़ा होगा आपने, यूनिसेलुलर है, वही लिक्विड मीडियम में रहता है। अब कैसे न्यूट्रिशन करता है, बेसिक स्टेप्स क्या रहेंगे, वही इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब डायग्राम मैं बताता हूँ आपको, डायग्राम में क्या है, ये इस तरह का होता है पैरामीशियम का डायग्राम।
पैरामीशियम की बॉडी पे, पूरी बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सीलिया। दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सीलिया। पूरी बॉडी पे फैले होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, और इनका नाम मैंने क्या रखा, मैंने नहीं रखा है, होता ही है सीलिया। तो अब ये होता है, ये इस तरह से इसको बना देते हैं, ये होता है इसका माउथ। अब ये जो देखिए, ये पोर्शन है जो ये मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं इस पोर्शन को, इस कंप्लीट प्रोसेस को, पार्ट को, ओरल ग्रूव। उसके बाद इसके अंदर ऐसे होता है न्यूक्लियस, और पूरी बॉडी में साइटोप्लाज्म भरा होता है। अब ऐसे ही इसके अंदर भी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एंजाइम्स भरे हैं, और आप सभी नाम बता सकते हैं इसका, इसको हम बोलेंगे लाइजोजाइम, सॉरी लाइजोजोम, लाइजोजोम। उसके बाद यहाँ पे होता है स्टूडेंट एक इस तरह से एनल पोर, इसको हम बोलेंगे एनल पोर, पैरामीशियम के अंदर एनल पोर। अब और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो गया, बाकी उनकी हमारे को जरूरत नहीं है, हमने बस वही चीजें डायग्राम में ड्रा की हैं जिनकी हमारे को जरूरत थी। तो देखिए पहला स्टेप क्या होगा, इसके पास भी क्या आएगा, फूड पार्टिकल्स, इस तरह से स्टूडेंट्स फूड पार्टिकल आएगा, ये आ गया फूड पार्टिकल, और ये फूड पार्टिकल इस तरह से। अब ये फूड पार्टिकल क्या होगा स्टूडेंट, ये फूड पार्टिकल इन सीलिया के अंदर आके, ये फूड पार्टिकल है इन सीलिया के अंदर आके इस तरह से फंस जाएगा, और इनकी वाइब्रेशन जो मूवमेंट है उसकी वजह से इस फूड पार्टिकल की मूवमेंट इस तरह से होगी। तो फूड आता हुआ, ये फूड इस तरह से आता हुआ और माउथ से होता हुआ बॉडी के अंदर, ये आ गया जी अपना फूड पार्टिकल, ये आ गया अपना फूड पार्टिकल। जैसे ये फूड पार्टिकल आएगा, एक स्टेप कंप्लीट होगा, इंजेशन किसके द्वारा किया है, बाई माउथ, बाई या थ्रो माउथ, थ्रो माउथ विद द हेल्प ऑफ सीलिया, थ्रो माउथ से इंजेक्शन कैसे किया है, थ्रो माउथ, बाय माउथ, माउथ से आया है, किसके हेल्प से, बाई सीलिया। उसके बाद स्टेप आएगा डाइजेशन, डाइजेशन स्टेप बिल्कुल सेम टू सेम है, क्या होगा, ये जो लाइजोजोम अपनी मेम्ब्रेन हटा लेगा, सुसाइड कर लेगा, और ये जो एंजाइम्स हैं ये इस फूड के ऊपर आएंगे और इस फूड को डिग्रेड कर देंगे, इस फूड को तोड़ देंगे, और ये फूड है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बट गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बच गया। तो अब यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ से निकलेगी एनर्जी, यहाँ से निकलेगी एनर्जी, एनर्जी सीधी किस में आएगी, साइटोप्लाज्म, एनर्जी किस में आएगी, साइटोप्लाज्म। तो डाइजेशन कंप्लीट किससे कैसे हुआ, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम ए लाइजोजोम, ठीक है, तो एंजाइम से लाइजोजोम की हेल्प से। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन, एनर्जी डायरेक्ट किस में आएगी, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद एसिमिलेशन, अब वही है जो साइटोप्लाज्म है ऐसे मूव करता है, पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी सर्कुलेट हो जाएगी, पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी सर्कुलेट हो तो किसके हेल्प से, बाई साइटोप्लाज्म। उसके बाद इजेशन, तो देखिए जो वेस्ट मटेरियल है, ये जो वेस्ट मटेरियल है ये इस एनल, एनल पोर से बाहर, ये जो वेस्ट मटेरियल था ये एनल पोर से बाहर, वेस्ट मटेरियल था जो एनल पोर से बाहर, तो किसके द्वारा हो गया, इजेशन थ्रो एनल पोर, थ्रो या वाया एनल पोर। तो उसके देखिए पैरामीशियम में इंजेशन मैं लिख देता हूँ, बाई माउथ इधर लिख रहा हूँ मैं, वाया माउथ इंजेशन को लिख रहा हूँ मैं, वाया माउथ इसके हेल्प से, बाई द हेल्प ऑफ सीलिया, बाई द हेल्प ऑफ ए सीलिया, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद डाइजेशन, डाइजेशन कैसे हुआ, बाई द हेल्प ऑफ ए, बाई द हेल्प ऑफ ए एंजाइम्स, किससे, फ्रॉम ए लाइजोजाइम, लाइजोजोम सॉरी, फ्रॉम ए लाइजोजोम। उसके बाद एब्जॉर्प्शन बाई साइटोप्लाज्म, उसके बाद एसिमिलेशन बाई साइटोप्लाज्म, उसके बाद इजेशन और डेफिकेशन वाया एनल पोर, वाया एनल पोर, वाया एनल पोर। तो इस तरह से न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम भी हमने कंप्लीट कर लिया, इस तरह से न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमने दो चीजें पढ़ी आज, तीन चीजें, स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं, स्टोमेटा क्लोज कैसे होते हैं, हमने फिर पढ़ा ओरल एक्सचेंज क्या होता है, कुछ प्लांट रात में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन माइक्रोव, माइक्रोव में दो एग्जाम्पल पढ़े, अमीबा एंड पैरामीशियम, अमीबा के अंदर भी बेसिक स्टेप्स वही हैं, पैरामीशियम के अंदर भी बेसिक। तो आगे जितने भी हम पढ़ने वाले हैं, बस एक ह्यूमन का और न्यूट्रिशन पढ़ने वाले, उसके अंदर भी जो बेसिक स्टेप्स वो यही रहेंगे। तो
तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक होगी है तो वेरी वेरी सॉरी, आप उसको मैनेज कर लेंगे। और इसको बड़े अच्छे से आपको डायग्राम ड्रा करना है, नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, और अपनी स्टडी को हेम्पर नहीं होने देना है, घर रहना है, सेफ रहना है। तो इसी के साथ स्टूडेंट, वीडियो को हम ज़्यादा लंबी नहीं करते, आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।